मामला अहिरौली थाना क्षेत्र का है, जहां पशु तस्करों ने पुलिस पीआरबी पर पिकअप चढ़ाकर जान लेने का प्रयास किया। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड घायल हुए। इन चारों पुलिसकर्मियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर देखते हुए इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने अहिरौली थाने का दौरा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में 2 नामजद और 8 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अहिरौली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि अहिरौली थाना क्षेत्र के माहुल में देर रात को मेला लगा हुआ था। माहुल के मेले में सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी थी। वहीं अहिरौली थाना क्षेत्र के ही शाहपुर में मेले में 2 पुलिसकर्मी परीक्षित दुबे और सौरभ राय की ड्यूटी लगी थी। दोनों पुलिसकर्मी मेले से वापस लौट रहे थे। इसी बीच अंबारी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पशु तस्करों की पिकअप ने बाइक सवार दोनों पुलिसकर्मियों पर चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की। कल दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को शाम को लगभग 8:30 बजे थाना अहरौला पर यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पुलिसकर्मियों को पिकअप द्वारा घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना अहरौला की पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्र अधिकारी बुढ़नपुर भी मौके पर पहुंचे। मौके पर जब जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ गौतस्करों द्वारा पुलिस की सतत निगरानी से छुटबुद होकर जान से मारने की नीयत से 2 पुलिसकर्मी और 2 पीआरबी के कर्मियों पर पिकअप से चढ़ाने का प्रयास किया गया और उनके ऊपर फायरिंग भी की गई। इस सूचना पर तत्काल थाना एरोला पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर जो उनकी गाड़ी असंतुलित होकर गड्ढे में गिर गई थी, उस पिकअप को भी जब्त कर लिया गया है और बाकी शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 2 नामजद व 8 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अज्ञात की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। 2 लोगों को इसमें अभी तक हिरासत में लिया गया है और अन्य कार्रवाई प्रचलित है। जो भी तथ्य और साक्ष्य संकलित किया जाएगा उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।